नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। हमारे बिहार में एक से एक रत्न पैदा हुए। कई बार होता यह है कि बहुत बार बहुमूल्य पत्थर भी कहीं गुम हो जाता है, खोया रहता है, और बाद में उसकी जब चमक बिखरता है वो पत्थर, तो उसके बारे में पता चलता है। ऐसे ही एक बहुत बड़े रत्न, बहुत बेशकीमती रत्न बिहार के हैं ब्रह्मदेव पंडित जी। बचपन में बेहद गरीबी में इनका जीवन बीता, और फिर जैसे ही बालिग हुए जेपी से जुड़े, और वो फिर जेपी के माध्यम से चले गए, बाहर जाकर के प्रशिक्षण लिया, और फिर अपने काम को इतना आगे बढ़ाया कि महाराष्ट्र सरकार ने इनके नाम की सिफारिश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए, और फिर पद्मश्री से सम्मानित हुए। अभी मैं इस वक्त हूँ पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान में, और यहाँ पर वे बच्चों को प्रशिक्षण देने आए हैं शिल्प का। अब बाकी सारी बातें हम लोग जानते हैं ब्रह्मदेव पंडित जी से। सर, सफ़र बताइए, बचपन से कैसे ये हुआ? ये सफ़र, मैं 19 साल का था तभी, तो मुझे ही नहीं मालूम पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ इतने जानते थे मैं मिट्टी का ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और शुरुआत मेरा हुआ सुखोदरा आश्रम से। हाँ। वहाँ पर 1969 में बहुत बड़ी अकाल पड़ा था, जो महीने भर में कुछ एक डेढ़ महीने एक दो दिन चावल खाने को मिलता था। तो उसमें गरीबी के कारण और चावल नहीं हुआ था, मारा हुआ था, इसके लिए वहाँ जब भी मकई का समय आ जाता सीजन, तो वह दरर के घट्टा खाते थे। तो उसी दरमियान मेरा एक ट्रेनिंग पूरा हुआ, ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर, वो सुखोदरा आश्रम में पाइप सिंचाई के लिए किया जाता था खेती के लिए। हाँ, तो उन्होंने मैं वहाँ बनाए। उसी दरमियान मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सेंट्रल विलेज पोट्री इंस्टीट्यूट कर्नाटक से आया, और हमारे साथ तीन लड़के साथी था, तो उसमें से मैं भी फार्म भरा उभरे, लेकिन मैं सेलेक्ट 1970 में गए, और वहाँ एक साल का, फिर 1970 में गया और एक साल का ट्रेनिंग हुआ। तो वहाँ भी ऐसे नसीब, हमें मुझे मालूम नहीं था कि क्या हो रहे, तो कैसा भी ट्रेन में मैं बैठा था, तो बहुत कैसा भी कोई हालत से मैं भटकते भटकते वहाँ पहुँच गया इंस्टीट्यूट में, और वहाँ एक साल का ट्रेनिंग लिया। एक साल ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे प्रिंसिपल वासुदेवन जी थे केरला के, पोट्री पूरा इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल थे। तो मेरा जो काम बहुत कर्मठ था, बहुत मेहनती, वो रोज़ मुझे देखते कि टाइम से आ जाता है लड़के, और टाइम से चला जाता है, लगे रहता है। जहाँ तक कि एक बार ऐसी घटना घटा, सब स्ट्राइक कर दिए स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे ही मालूम नहीं स्ट्राइक हुआ कुछ, मैं अपने काम में भिड़ गया। तो मेरे बहुत उनको ये लगा कि ये कितना मेहनती लड़का है, मैं कोई खिलाफत इंस्टीट्यूट का नहीं हुआ। तो एक दिन प्रार्थना के समय था, जब वो ट्रेनिंग छूटने लगा, तो उंगली पुकार के बोलता है ये लड़के क्यों नहीं हाथ उठाता, ये हाँ क्यों नहीं बोलते। तो मुझे उन्होंने बहुत मेहरबानी था। तो बम्बे में एक कला नगर बांद्रा में हमारे बहुत बड़े पेंटिंग और स्कल्पचर के आर्टिस्ट थे, तो वो खादी कमीशन इरला में जो ऑफिस है उसके थ्रू मुझे वहाँ भेजा, और वहाँ तीन साल की, फिर मैंने लक्ष्मण राजा राव अजगांवकर जी के साथ असिस्टेंट बन के काम किया। तो वहाँ हमारी एक चीज़ उनकी प्रेरणा यही मिला का कि जब शहर में गए तो मुझे गांव से आया तो मुझे उठने बैठने बोलने को उतना बुद्धि नहीं था, तब ये प्रेरणा भी मिला और रहन सहन मिला। और वो जमाना में बहुत प्रख्यात हो रहा था बम्बे में, आज भी बहुत कॉमन हो गया है, इक्के बाना और बोंझाई पॉट बनाने के, वो जो एक पॉटर थे लक्ष्मण राजा राव अजगांवकर जी, उन्होंने वो भी नाम कमाए और उनके साथ रहा श्रीन बन के। फिर मैं एक जगह ट्रेनिंग के लिए मुझे भेज दिया था, ट्रेनिंग वर्ली में है, हैंडीक्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, कि जाओ मैंने चाहा तो मैं उनके पास वहाँ गया, सिफारिश किए, फिर वहाँ से मेरा तकदीर कुछ खुला हुआ। फिर ऐसे ही जरा मैं साहब को बोले कि मैं चाहते हुए नौकरी कहने, तो एक सोफिया कॉलेज में एक जगह खाली हो गया था, ये पॉटरी डिपार्टमेंट सेरामिक का जो, तो मैं बहुत ये किए, तो डायरेक्टर साहब ने फिर सिफारिश कर दिए वहाँ का, हैंडीक्राफ्ट के पटेल साहब थे। फिर वहाँ से
शुरुआत हुआ मेरे करियर में तो सोफिया कॉलेज में मुझे फिर नौकरी लग गया। अब उस समय पगार मुझे इस टाइप सैलरी दे रहा 375 रुपया पर मंथ बात है। ये 75 की बात है। अच्छा 73 हाँ उस समय फिर वहाँ ऐसे में गए और 73 में 500 की नौकरी करने लगे 375 475 जी। फिर इतने जम गए कि वहाँ तो बहुत हाई फाई सब थे, अच्छे जो इंटरनेशनल घर के रहते विदेश में घूमे वही मिट्टी को ये कदर करते थे, कला समझते। बाकी लोग मिट्टी को तभी भी हिंदुस्तान में बोलते तो कुम्हार है, कुछ देखभाल भी नहीं बढ़िया करते हैं। हाँ तो मैंने वहाँ 34 साल फिर सर्विस किया है। हाँ 34 साल में बहुत कुछ काम किया, जो मैंने ललित कला एकेडमी में भी वहाँ गए और उनका भी हमें बहुत गान गाता है। सोफिया पॉलिटेक्निक का के स्कॉलरशिप पर भेजे थे, आने जाने के लिए वहाँ किए, इसके मिरमिरा के पास भेजे, वहाँ भी मैं ट्रेनिंग किया। उसके बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट में भी मॉडलिंग का स्कॉल्प का वो भी ट्रेनिंग किया। तो फिर अच्छी तरह हो गया, फिर काफ़ी हमारा धीरे धीरे जब कुछ पैसे हमारे पास जमा हो गए तो मैंने भट्टी बनाया। तो सिर्फ 300 रुपये से एक मैंने चुनार टाइप की भट्टी अपड्राफ बनाया, वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ। तो काफ़ी फिर अभी स्टोन बेयर भी करता हूँ, पोर्सलिन भी करते हैं, और काफ़ी हम एग्जीबिशन कर रहे हैं यहाँ बम्बे में सिमरोज आर्ट गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी, और दिल्ली में त्रिवेणी में एग्जीबिशन करता हूँ। इब्राहिम अलका जी देवी उनकी लड़की देखते हैं आर्ट हेरिटेज, हाँ तो वहाँ भी एग्जीबिशन हर 2 साल में एक बार करता हूँ। और मेरा खास दाल रोटी के लिए मैं छोड़ा नहीं, उसे बहुत मेहनत करता हूँ। वो पूरी हिंदुस्तान में मैं बोंझाई पॉट बनाता हूँ, ऐसे मेरा घर चलता है, हमेशा 5 आदमी हमारे साथ में रहते हैं। तो और ये सोसाइटियाँ जो बनी है बंगलोर, हैदराबाद, भोपाल, बड़ौदा, दिल्ली, तो हमारा बहुत उनके साथ संपर्क है एक प्रकार का। मैं भी उन लोगों का सब आभारी मानता हूँ कि उनकी आशीर्वाद मिला है और इससे मेरा नाम भी अभी तक बढ़ रहा है, रोजी रोटी भी चलता है जी। अब अगला सवाल, जहाँ पर ये बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं पटना में आकर के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान में, वहाँ पर अब आगे की बातचीत हम लोग देखेंगे भी कि कैसे हो रहा है और आगे की बातचीत करते हैं। आइए पंडित जी से अभी हम उनकी उनके सफर के बारे में सुन रहे थे, कैसे कैसे वो कहाँ पर गए, कैसे प्रशिक्षण लिया, ये भी उन्होंने इस बातचीत में बताया कि कैसे आमतौर पर लोग यहाँ के लोग समझते हैं कि अच्छा ये कुम्हार है, ये तो माटी का काम कर रहा है, बहुत ही छोटी नज़र से देखते हैं। लेकिन इस छोटी सी बात को ही उन्होंने कैसे बड़ी बात बना दी, कैसे आज वो एक लीजेंड बन गए, देश के लिए एक प्रेरणा बन गए, वो सब कहानी हम लोग सुन रहे थे। उसके बाद के बाद आप बताइए, अपना जब आपने कंपनी शुरू की, अपना सब कुछ ये करने लगे, फिर कहाँ तक विस्तार पाया, अब क्या टर्नओवर है, कितना अधिक इसमें युवाओं के लिए स्पेस है, स्कोप है, ये अगर इसको रोजगार अगर युवा बनाना चाहें तो उसमें कितने मौके हैं? हाँ तो सबसे पहले तो मेरा अनुभव जो है कहाँ पूरी देश में कहाँ कमी है, हाँ वो महसूस करता है, और वहाँ क्यों अड़चनी की कोई कला है तो बनते हैं, लेकिन योजना से भी ले लेते हैं पैसे, करोड़ रुपया लाखों रुपया डाल देते हैं, लेकिन चलते चलते वो चल नहीं पाते हैं, वो और वो नहीं चल पाते फिर बंद हो जाते हैं। हाँ। तो उसका एक ही चीज़ है कि लोग अब कैसे डिजिटल आ गए, हर चीज़ मोबाइल में से हाथ में मुट्ठी में सब कुछ आ गया है। तो अब वो जमाने के अनुसार हमें भी चलना चाहिए, पॉटरी में भी चलना चाहिए, इंस्टीट्यूट में भी चलना चाहिए। अभी उदाहरण देते हैं, एक छोटी सी यही देश में इतनी विकास है, जैसे मोरबी गुजरात में थानगढ़, वहाँ आप देखेंगे तो जैसे हमारा खेती होता है, खेती या अपने गाँव गाँव में ऐसे उन्हें वहाँ की पॉटरी है,
अच्छा हाँ, इतने विकास जो दुनिया को भाव में एक मतलब बेच सकते हैं, कीमती कर सकते हैं और प्रोडक्शन कर रहे थे। तो हमारा जब ऐसा नहीं कि पोल्ट्री विकास नहीं हुआ, वैसे भी पोल्ट्री विकास हुआ है, लेकिन जो सार्वजनिक जगह है, संस्थाएं हैं, वहाँ कम पड़ते हैं, क्योंकि उनको रुचि कम पड़ते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं या लगन नहीं लगाते हैं तो बहुत काम नहीं कर पाते, इसकी वजह से कमज़ोर पड़ जाता है। जी ये है कि इसको सीखने के बाद इसमें जी हाँ लगाना चाहिए। और बताते हैं, मैं अभी इस समय मैं ये चाह रहे हैं उपेन महारथी में कि इनकी तुलना में भोपाल है, अहमदाबाद, बड़ौदा, हम यहाँ देखा अभी गए थे लखनऊ, तो अब ये सिर्फ इतने पुराने हो गए हैं, बहुत पहले जैसे एक प्रकार के कोई बुढ़ा हो जाता है, उम्र हो जाता है तो कमज़ोर पड़ जाता है। तो वहाँ एक दिन इतना नाम था लेकिन अभी वहाँ उतना नहीं हो रहा है। तो अब उनकी तुलना से हम नए तरीके से उपेन्द्र भारती में हमें साबित करना चाहते हैं। अच्छा। कि एक ऐसी पॉटरी यहाँ जमे कि लोग हिंदुस्तान में नहीं, इतना बढ़िया सेटअप कर दे कि ये वही डिजिटल के रूप में कम भट्टी यहाँ ऐसी बने आधुनिक, जो कम गैस खर्चा होवे, जो तीन चार दिन ठंडा में लगता था भट्टी को गर्म करते हैं, गैस या ईंधन ज़्यादा खपत होता है वो कम होना चाहिए। तो वो हिसाब से मैं यहाँ स्थापित कर रहे हैं साधन और काम करने का जो ढलान है तरीका, जो स्टूडेंट्स रहे या कोई काम करेंगे तो उनको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, शारीरिक जो है उतना नहीं करना पड़ेगा, तो उस तरह से मैं यहाँ काम अपना रहा हूँ। और वही माध्यम से अभी एक कम से कम तो 1400 टेम्परेचर का एक झिरकोनियम ब्लैंकेट का किल बनाया हूँ, इसकी कैपिट लगातार 1250-1300 चले गए, कोई तकलीफ नहीं, कम से कम ईंधन बनेगा। और इस किल्न में बहुत पोर्सलिन, स्टोन वेयर, कितने भी बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हैं, जो कोई हर्जा नहीं, और काम बहुत ही क्वालिटी वाला इसमें से निकलेगा। और दूसरी बात और भी करना चाहते हैं कि हमारे बिहार और पटना को लोग इतने नहीं, कले में बहुत जान रहे हैं लेकिन पोल्ट्री के बारे में नहीं है। हाँ। तो एक चीज़ और मैं ये करना चाहता है कि आज के कुछ 25-30 साल पहले उपेन्द्र महारथी में ये सरामी के किल था। अच्छा। फिर बंद हो गए, वही कारण जो आपको दोहराए थे, अब कुछ कमी भी रह गया है, भी तो पुराने ज़माने के कर नहीं पाते, बंद हुआ, तो उसको मैं फिर भी चालू कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन भी आवे, वो टाइम का काम होवे और रोज़गार, लाखों लोगों का रोज़गार मिला, लाखों रोजे का ये प्रोडक्शन भी हमारा लाखों आइटम का बने, तभी ये साबित करूँगा कि हाँ पंडित जी ने काम किया यार। जी दो चीज़ और मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, एक चीज़ कि हम लोग अभी स्टार्टअप क्यों आप बहुत जिक्र करते हैं, ये किया वो किया, ब्रह्मदत्त जी बहुत बड़े उदाहरण हैं कि बता रहे थे 2-4 दिन पर कभी खाना खाते थे, और अब जब इनके काम का टर्नओवर कितना, अभी टर्नओवर है आपका सलाना? अच्छा, मेरा बम्बई में है। हाँ, आपकी आपके आशीर्वाद से करोड़ के ऊपर है सर। हाँ, तो ये करोड़ से अधिक का टर्नओवर, और इधर उधर से जानकारी मिली कि करोड़ों का टर्नओवर है, तो ये स्टार्टअप की एक बात है। एक और चीज़, अभी दिवाली पर हम लोग खूब मीडिया में दिखाते हैं, अखबारों में छापते हैं कि कुम्हारों की कितनी बदहाली है, वो दिए नहीं बना, उनको कोई नहीं मिलता घर में, लेकिन वो स्थिति आप बदल सकते हैं बशर्ते कि कुछ नई तरह की बात सोचे, और आज ये पद्मश्री बन गए हैं और चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी चीज़ यहाँ, जैसे ये कुम्हार अभी जो ये चाक है, हम लोग चाक डंडा वाला देखते थे, ये बिजली वाला चाक पर ये कर रहे हैं, कोई काम कीजिए। और एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि इनका हाथ जो है, ये हाथ ठीक है, ये लगा हुआ है, इसमें मिट्टी लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि कलाकार होने के चलते इनका हाथ खराब नहीं होगा, आदत नहीं है। अच्छा, धोने की आदत नहीं है, काम के प्रति जुनून इनका देखिए, और ये मिट्टी लगी हुई है, इनका हाथ ठीक है, और कुछ करके आप दिखाइए सर। देखिए मिट्टी से कैसे कोई कलाकार जी, एक साधारण मिट्टी को बेशकीमती बर्तन में कैसे कलाकार बदलता है।
इधर से स्पीड बढ़ाते हैं जी। हाँ, तो यहाँ दो चीज़ और डेवलपमेंट के लिए बढ़ रहे, नाम कैसे हुआ हम काम के देश में, ये मैं बोलना चाहते हैं जी। तो टाइल्स से लेकर हम अभी भी पटना में बापूजी सभागृह में देखेंगे तो गांधी जी की लाइफ पर मैंने म्यूरल बनाया पर जो बना है। हाँ, वो मेरा अच्छा, बना हुआ है। क्या बात है, वाह, दीवार पर जो बना जी, हुआ जी, है मेरे हाथ का, इसलिए बोले। तो वो ऐसी चीजें है जो हम दाल रोटी खाते हैं, ऐसी काम हमको पटना में मिले जो हम बिरयानी खा रहे हैं। ये बनाते हैं ऐसे ही हमारा स्टूडियो पोर्टी जो दिल्ली में आर्ट गैलरी में जब जाता है बिकते हैं, हमारे कलेक्टर है तो कम से कम 50,000 रहे कि लाख रहे अगर बिक जाते हैं, पसंद से बिक जाते हैं जी। एक एक बर्तन तो दोनों चीज़ में मैं निपुण हूँ। अच्छा, एक चीज़ ब्रह्मदत्त जी बता रहे थे कि अब ये मोबाइल के चलते हर जगह आसानी से सामान आप बेच सकते हैं, ऑनलाइन वगैरह कर सकते हैं जी। लेकिन दिलचस्प ये है कि खुद मोबाइल नहीं रखते हैं। मुझे नहीं पता क्यों नहीं रखते हैं, हर कोई मोबाइल रखता है। मुझे टाइम बहुत खुला चाहता है, जिनके पास मोबाइल ना हो जी, नहीं पसंद नहीं करते जरा भी, नहीं फोन भी नहीं पसंद करते, काम ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा जी, तो ये उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान में हमारे साथ थे पद्मश्री ब्रह्मदेव पंडित जी, जो रहने वाले नवादा के हैं, थे हैं ही हम लोग कहेंगे, और यहाँ पर सिखा रहे थे, बना रहे हैं यहाँ पर। और अब अगर आप चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जनवरी से शायद नामांकन इसमें, इस विषय में, इस कोर्स में किया जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ आकर के जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये आप मिल रहे थे एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, जिस आदमी के पास कभी खाने के लिए नहीं था, उनके पास आज करोड़ों का कारोबार है। उससे भी बड़ी बात चीज़ है कि उन्होंने हमेशा दिखाया कि अवसर को आप कैसे हासिल कर सकते हैं, चुनौतियों को कैसे बदल सकते हैं, और बड़ा काम कैसे करके दिखा सकते हैं। और हम बिहारवासियों को तो गर्व रहेगा कि बिहार के हैं और वहाँ महाराष्ट्र में जा करके इतना बड़ा नाम किया, मेरे घर के बगल के ही हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।